23। 17 साल का स्वप्नदीप कुंडू जो कि नदिया नाम के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता था वेस्ट बंगाल के, वो रवाना होता है कोलकाता शहर की ओर इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज यानी कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में अपने हायर एजुकेशन को परसू करने के लिए। घर और परिवार में काफी खुशी का माहौल था, और हो भी क्यों ना, आखिर एक छोटे से गांव का बेटा जा रहा था इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। अक्सर जब ऐसे किसी छोटे गांव से कोई बच्चा जाता है बड़े शहर के नामी कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए, तो उसकी चर्चा सिर्फ घर परिवार तक सीमित नहीं रहती। गर्व और खुशी का माहौल पूरे गली मोहल्ले और गांव तक में थी। सब कुछ बहुत सही चल रहा था, और हो भी क्यों ना, उसे गए हुए सिर्फ 3 दिन हुए थे यानी कि 9 अगस्त 2023। 9 अगस्त की शाम स्वप्नदीप अपनी माँ को कॉल करता है। स्वप्नदीप, हेलो माँ, यहाँ कुछ ठीक नहीं है माँ। तू इतना डरा हुआ क्यों है? तुम जल्दी से आ जाओ। हाँ बेटा, मैं यही हूँ, बताना क्या हुआ? मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है। हाँ मैं आ रही हूँ, पर बता तो सही क्या हुआ? मैं बहुत डरा हुआ हूँ माँ, बस तुम आ जाओ। बेटा माँ, हेलो प्लीज। हेलो, अगले दिन सुबह 10 बजे स्वप्नदीप की माँ को एक फोन आता है हॉस्पिटल से। जी, आपके बेटे ने हॉस्टल में सुसाइड कर लिया। जादवपुर विश्वविद्यालय से रैगिंग की भयावह घटना सामने आई है। ना पुलिस को पता चला, ना जॉय के बाप को। सब सोच रहे हैं सुसाइड है सर। जिसमें एक छात्र की मौत हो गई। वो बेवकूफ सोच रहे हैं कि इधर प्रेशर पड़ने की वजह से मर गया। अच्छे कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने का सपना हम में से हर किसी का होता है, और हम में से ही एक था स्वप्नदीप। ये कहानी कोई सालों पुरानी नहीं है, बल्कि बस 1 महीने पुरानी यानी कि अगस्त 2023 की है। 6 अगस्त के दिन स्वप्नदीप भी बहुत ही उम्मीदों के साथ अपने कॉलेज में पहुंचता है, वो भी एक ऐसे कॉलेज जो कि इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज में से है यानी कि जादवपुर यूनिवर्सिटी। नया कॉलेज, नए दोस्त, नई दुनिया, एज अ फ्रेशर सब कुछ कितना नया नया होता है ना, और कुछ ऐसा ही था स्वप्नदीप के साथ। पर जब वो अपने कॉलेज हॉस्टल पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसके नाम से उस कॉलेज हॉस्टल में एक भी रूम ही अलॉट नहीं हुआ है, जबकि उसने ऑब्वियसली हॉस्टल के लिए अप्लाई किया था। और उसे कहा जाता है कि उसी हॉस्टल के रूम नंबर 68 में कुछ दिनों तक कुछ लोगों के साथ एडजस्ट कर ले। रूम नंबर 68 यूनिवर्सिटी हॉस्टल का वो रूम था जो कि सिर्फ फ्रेशर्स के लिए अलॉट था। स्वप्नदीप एक ऐसा इंसान जो कि एक छोटे से जगह से इतने बड़े शहर में एक नई दुनिया पहली बार देख रहा था। इस बात से कि उसके नाम पर एक भी रूम ही अलॉट नहीं है, बिना आर्गुमेंट किए वो डायरेक्टली चले जाता है रूम नंबर 68। पर वहां जाकर उसे पता चलता है कि उस रूम में जो कि सिर्फ और सिर्फ फ्रेशर्स के लिए अलॉटेड था, वहां पर कुछ सीनियर्स ऑलरेडी रह रहे थे। वो भी कैसे सीनियर्स? वो सीनियर्स जो कि यूनिवर्सिटी से 1 या 2 साल पहले ऑलरेडी पास्ड आउट हो चुके थे। पर ऐसे केस में जहां स्वप्नदीप को एक भी रूम ही अलॉट नहीं हुआ था, तो वो क्या करता? वो रेडी हो जाता है कि रूम नंबर 68 में सीनियर्स के साथ एडजस्ट कर लेगा। पर असली खेल तो कुछ दिनों के बाद शुरू होता है, और ऐसा ही हुआ उस रात। 9 अगस्त की रात 9 बजे सभी फ्रेशर्स को सीनियर्स के द्वारा बुलाया जाता है सेकेंड फ्लोर पे इंट्रो के लिए। मैं तुम्हें बता दूं कि मॉडर्न वर्ल्ड में रैगिंग को रैगिंग नहीं बल्कि इंट्रो बोल के बुलाते हैं, और ये बोला जाता है कि सीनियर्स के साथ तुम्हारा इंटरैक्शंस है। पर कैसा इंटरैक्शंस? हर कॉलेज में जूनियर्स के सीनियर्स को इंट्रो देने का एक प्रॉपर एंड फिक्स्ड फॉर्मेट होता है, और जादवपुर यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट ये था, जूनियर्स को सभी के सामने, अपने सीनियर्स और अपने बैचमेट्स के सामने, अपना नाम, अपने माँ का नाम, अपने पिता का नाम, अपना कास्ट, रिलीजियन, गोत्र, अपने दादा दादी का नाम, वो क्या काम करते थे, और ऐसे कई सारे पर्सनल और यूजलेस इन्फॉर्मेशन सभी के सामने ऐसे ओपनली शेयर करने पड़ते थे। सब तेरे बाप आए जो रूम में है, समझे? और अगर तुम ये प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो नहीं करते हो और इनमें से एक भी चीज मिस करते हो, देन वो सीनियर्स तुम्हारे से उस मोमेंट पे कुछ भी करवा सकते हैं। सर नीचे कर, सर नीचे कर पहले। एंड वो तुम्हें करना पड़ेगा। और ठीक ऐसा ही हुआ। स्वप्नदीप जब अपना इंट्रोडक्शन का ये सो कॉल्ड फॉर्मेट फॉलो नहीं कर पाया,
तो उसे भी कुछ टास्क दिया गया करने को। जैसे कि उसी हॉस्टल के एक स्टूडेंट ने बताया, क्योंकि उसके पास्ट एंसेस्टर्स मेनियल जॉब्स करते थे, तो इसलिए उसके सीनियर्स ने उनसे कहा कि तुम्हें भी बाथरूम साफ करना होगा। एक स्टूडेंट ने ये बताया, क्योंकि उसके पास्ट एंसेस्टर्स ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, तो उसे अब ट्राइब्स की तरह रहना पड़ेगा। जब भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हॉस्टल में बार्बर के पास बाल कट करवाने को जाएंगे, तो वो उनसे बोलेंगे कि फर्स्ट ईयर कट काट दो, तो बार्बर ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि उसे बाल कैसे काटना है। क्योंकि स्वप्नदीप भी अब अपना इंट्रोडक्शन का फॉर्मेट फॉलो नहीं कर पाया था, तो उसे भी अब कहा गया कुछ टास्क करने को, जिसमें कि स्वप्नदीप एकदम भी कंफर्टेबल नहीं था। इसलिए उसने उस वक्त सीधे सीधे मना कर दिया कि वो ये टास्क नहीं करेगा। और जब कभी इंट्रो या रैगिंग में तुम एक जूनियर होकर अगर सीनियर की बात मानने से मना कर देते हो, तो पता नहीं कैसे सीनियर का ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट, मानहानि और सम्मान को बहुत ठेस पहुंच जाता है। और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। वहाँ पर मौजूद 20 के 20 सीनियर्स को बहुत गुस्सा आ गया, जिसमें से 4 या 5 सीनियर्स ऐसे थे जो कि कॉलेज से कब के पास आउट हो चुके थे। वो बोलते हैं सभी जूनियर्स को कि वो अपने अपने रूम चले जाएं, सिवाय स्वप्नदीप के। उसके बाद उस रात जादवपुर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में जो कुछ भी हुआ वो बेहद ही शर्मनाक और दुखद है। आई कैन नॉट बिलीव कि 2023 में भी ऐसी चीजें पॉसिबल हैं। वो 20 सीनियर्स का ग्रुप स्वप्नदीप को चारों ओर से घेर के खड़ा हो जाता है और स्वप्नदीप से कहता है ये एक्सेप्ट करने को कि तुम गे हो। रात के 11 से 12 बज रहे थे। स्वप्नदीप कॉरिडोर में अकेला खड़ा था बीच में, और उसके चारों ओर 20 सीनियर्स घेर कर उस पर चिल्ला रहे थे, उसे डांट रहे थे, जैसे कि मानो उसने कितना बड़ा पाप कर दिया हो, और उसे जबरदस्ती ये एक्सेप्ट करवा रहे थे कि तुम एक गे हो। बेचारा स्वप्नदीप, जो कि नया नया इस शहर और कॉलेज में आया था, उसे तो पता भी नहीं था कि उसके साथ आखिर ये हो क्या रहा है। वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, रो रहा था और सिर्फ एक बात कह रहा था, लेकिन बात सिर्फ अब यहाँ पर खत्म नहीं होती है। सीनियर्स का मन अब भी नहीं बढ़ा था। अब वो स्वप्नदीप को बोलते हैं उन सभी के सामने वहाँ कॉरिडोर पे स्ट्रिप करने के लिए। इट रियली फील्स माई हार्ट टू से दैट 9 अगस्त की रात 12 बजे स्वप्नदीप को 100% नेकेड होकर कॉरिडोर में 20 लोगों के सामने स्ट्रिप करना पड़ा। उस बीच शायद और भी बहुत कुछ हुआ होगा जो कि बात बाहर नहीं आई, पर मीडिया को उन जूनियर्स से जो कि उस वक्त फर्स्ट फ्लोर पे खड़े थे या अपने रूम में थे, सिर्फ इतना पता चला कि रात 12 बजे तक स्वप्नदीप की जोर जोर से आवाज आ रही थी चिल्लाने की, आई एम नॉट गे। कुछ जूनियर्स ने स्वप्नदीप को देखा कि सेकेंड फ्लोर के कॉरिडोर पे वो भाग रहा था नेकेड, और बाकी सीनियर्स उसके पीछे भाग रहे थे। स्वप्नदीप चीख रहा था, चिल्ला रहा था और हर रूम का दरवाजा खटखटा रहा था कि कहीं से तो उसे हेल्प मिल जाए। पर ऐसे रैगिंग केसेस में जो जूनियर बंदा उसकी हेल्प करेगा वो भी उस चक्कर में फंस जाएगा। सो ऑब्वियसली उसे उस वक्त किसी तरीके की हेल्प नहीं मिली। वो नेकेड सेकंड फ्लोर पे कई देर तक दौड़ता रहा, हर रूम का दरवाजा ठकठकाता रहा और सीनियर्स उसके पीछे दौड़ते रहे। आखिरकार लगभग रात के 12 बजे वो भागते भागते पहुंचता है रूम नंबर 68, यानी कि अपने रूम में। रूम जाता है और शायद तभी वो अपनी माँ को फोन करता है, पर तभी ही अचानक से उसका कॉल कट हो जाता है और उसकी माँ सारी रात कोशिश करती है कॉल कनेक्ट करने की, पर एक बार भी नहीं हो पाता है। इस बीच क्या हुआ क्या नहीं हुआ किसी को नहीं पता। 10 अगस्त की सुबह 4:30 बजे रूम नंबर 68 के बालकनी के नीचे स्वप्नदीप की नेकेड बॉडी मिलती है, जिसे कुछ देर के बाद हॉस्पिटल डेथ बाय सुसाइड डिक्लेयर करती है।